जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए, और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं, आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना है? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाए, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा, इनके घोंसलों को ना देखा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा। संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपने चोंच में दाना भरकर लाती है, स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोंच में डालती है, स्वयं भूखी रहती, निस्वार्थ निश्चलता से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं वो उसे उड़ना सिखाती है, और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए। इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए। ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। राधे राधे। एक शब्द है जो हमें कभी कभी या कहो कई बार सुनाई देता है, स्वार्थ।
वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसने स्वार्थ में आके ये बुरा कर्म कर दिया आदि इत्यादि। देखा जाए तो संसार स्वार्थ को पाप का मूल मानने लगा, परंतु क्या स्वार्थ सच में बुरा है? नहीं। स्वार्थ ये शब्द बना है स्व से, अर्थात स्वयं से, यानी कि जिस कार्य में केवल स्वयं का अर्थ हो, केवल स्वयं का लाभ चाप हो, वो स्वार्थ। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका स्व क्या है? यदि आपके स्व में केवल आप हैं तो आप अवश्य स्वार्थी हैं। यदि आपके स्व में परिवार सम्मिलित है तो आप परिवारथी हैं। यदि आपके स्व में अन्य लोग सम्मिलित हैं तो आप परोपकारथी हैं। और यदि आपके स्व में ये संसार सम्मिलित है तो आप परमार्थी हैं। तो अपने स्वार्थ से दूर ना जाएं, उसका विस्तार करें। अपने अस्तित्व का विस्तार करोगे तो ये स्वार्थ स्वयं ही परमार्थ में बदल जाएगा। राधे राधे। एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन एक स्थान पर आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। मन बड़ी ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी वनों उपवनों की इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्यक है कि मन खाली हो। इस बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष, तब भी तार छेड़ने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर के जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो, या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है
वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। प्रेम, प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, और अब यह मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता, इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा राधे राधे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं, ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुट, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम, प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे,
जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहां के लोगों पर, सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं। जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे,
सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी नहीं। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाए, आनंद ले और मेरे साथ कहें राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या, इस प्रेम का मतलब क्या, और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या, उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास ढाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष। तो आप इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएं। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ले, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपका काम बना लेते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे।
मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारे। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती, क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती है? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर, जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा की, इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। राधे राधे। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में तीन डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये तीन डोरियां जानता है, समझता है, पहला आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा, दूसरा आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम, और तीसरा आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीन डोरियां, ये तीन बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधे तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं
अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है, है। और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ इतना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारी जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही प्रारब्ध तीन, तो प्रारब्ध हमारा जन्म नहीं, हमारा चयन निर्धारित करता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार करके करें। राधे राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी हो गया, मन में बैठ जाती कोयल की कूक, बड़ी मीठी बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है, हरियाला रंग लाल चोंच, ठीक पहचाना आप तो। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल बने उपयोगों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं, वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका है। राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना
कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता, कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है, तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभचिंतकों के मुंह से यह सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो, वो मत पहनो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं, मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, उचित है। किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बालपन से कहीं पहेलियां सुलझाई होंगी आप, क्यों तो आज एक और सुलझा लीजिए। बताइए आपके जीवन में वो कौन सी वस्तु है जो आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। समझदार को एक संकेत ही पर्याप्त है, उचित सोचा आपने, वो वस्तु है समय। क्यों? क्यों समय आपका सबसे बड़ा मित्र और समय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर है समय का सम्मान। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। संसार उसकी कला पहचानता है, उसे महत्व देता है। और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता, जाने अनजाने में उसका अपमान करता है, संसार उसी को भुला देता है। इसीलिए समय का सम्मान करें, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि अच्छा समय इस संसार को बताएगा आपकी वास्तविकता क्या है, किंतु बुरा समय आपको बताएगा कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो प्रेम से बोल राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति।
प्रीति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती, सदा आपके साथ रहती, आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता, किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी, तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है ये हम पर निर्भर करता। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए, सुख आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया, और हम क्या स्मरण रखते हैं, अपने दुख पीड़ाएं, वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई, और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बातें याद है इसीलिए विवाद। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है, कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ इतना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर ना गिर जाए, किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दी और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार की, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाए। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करता। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना अपने मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और ना, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए,
उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पे छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना, कोई मित्र ना, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा, तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बनाते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ पक्षियों को देखा है मैं, जीवन भर घोंसला बनाते रहते, यहां से डाली लेकर वहां से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके। और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी है उड़ने के। और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है, जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिएगा, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। तो प्रेम से बोल राधे राधे। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता, दो दिन, अधिक से अधिक एक सप्ताह बस। कितनी कम भोजन की आवश्यकता होती है उसे, किंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है। अपने आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए कर्म ना रुको, करते रहो, चलते रहो। कुछ ना मिला तो चलने में सिद्धास्त हो जाओ, लक्ष्य ना मिला तो एक सुगढ़ यात्री तो बन पाओ। तो प्रेम से बोल राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते।
तो अपने भीतर ये तीन गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव इन तीन गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे, राधेर। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी इनाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ। क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है, ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा कर, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। क्या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन। यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं, वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा। और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामे, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तो प्रेम से बोल, राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय,
ये शब्द हमने हमारी जीवन में कई बार सुने है ना। जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर वो मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना कर, निर्णय कर और फिर निश्चय, सब मिलेगा। तो प्रेम से बोल राधे राधे। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है, वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहे। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं आप, बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है ये निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाके आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे। देखिए ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में
मुख पे मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं? नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर, तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे राधे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक पे आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता। और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है ना? अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंद कर एक रस्सी बनाई, पर अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता, वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओगे। राधे। चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए, आप इस संसार में आने से पूर्व भी ये संसार था, आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, शुभ कर्म कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। स्मरण रखिएगा, ये चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे।